जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत शानदार तरीके से जुटे होंगे। जो हिंदी भाषा की हमारी श्रृंखला चल रही थी उसका आज हम भाग चार देखेंगे, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में देखेंगे और पिछले वीडियोज़ में जो कुछ मैंने बताया हूँ उस पर भी हम कुछ रिविज़न करेंगे और कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला को देखने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं भाषा पर। तो भाषा जो है, भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना हुआ शब्द है। ठीक है, भास धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक, प्रकट करना, या इसको हम बोल सकते हैं बोलना। ठीक, और क्या बोल सकते हैं? इसको हम व्यक्त करना भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्त करना। ठीक है, भाषा क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है भास। ठीक, और उस भास शब्द का जो अर्थ है वो होता है प्रकट करना, बोलना या व्यक्त करना। इसी से भाषा शब्द का जन्म हुआ है। ठीक है, या भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है ये हम कह सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं वैसे। ठीक है, अब देखिए, भाषा की जो सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक है, क्योंकि वाक्य क्या होता है? कुछ शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, कुछ शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, और जो वाक्य है इससे भी छोटी इकाई क्या है? अगर हम देखें तो इससे छोटी इकाई को बोलते हैं पदबंध। क्या बोलते हैं? पदबंध। इससे छोटी इकाई कौन सी होती है? पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, या उसको हम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, शब्द से छोटी इकाई हो जाएगी हमारी अक्षर। ठीक, और अक्षर से छोटा क्या होता है? वर्ण। वर्ण, या इसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, वर्ण या ध्वनि। तो ये समझ में आया दोस्तों, क्या देखा हमने? भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। और वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है पदबंध, उससे छोटी होती है पद या शब्द, और पद या शब्द से छोटी होती है अक्षर, और अक्षर से छोटा होता है हमारा क्या? वर्ण, या इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। ठीक, क्या हो गई? वर्ण। अब जो वर्ण है, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, यही क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जब हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम मानक वर्णमाला। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मानक वर्णमाला। मानक वर्णमाला, मानक वर्णमाला से तात्पर्य क्या है? मानक वर्णमाला का तात्पर्य यह है कि अभी तक हम जो वर्णमाला पढ़ते आ रहे थे, है ना, हमने क्या देखा था वर्णमाला में? मूलतः कितने वर्ण देखा था? 45 वर्ण देखा था। कितने वर्ण देखा था? 45 वर्ण देखा था हमने। ठीक, उसमें भी क्या देखा था हमने? उसमें 10 हमने स्वर देखा था। कितने स्वर देखा था हमने? 10, और 35 व्यंजन देखा था हमने। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मानक वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या? मानक वर्णमाला। और ये हमने किस आधार पर देखा था? ये हमने देखा था उच्चारण की दृष्टि से। किस दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। पुनः एक बार बात कर रहे हैं मानक वर्णमाला की। ठीक, मानक वर्णमाला में हमने किस दृष्टि से देखेंगे वर्णों को? उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे। मूलतः कितने वर्ण देखे हमने? 45। ठीक है, 45 में भी क्या? 10 हमने क्या देखा? स्वर देखा। और 35 क्या देखा हमने? व्यंजन देखा। ठीक है,
दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला, और वर्णमाला में अब हम देख रहे हैं सबसे पहले स्वर, ठीक है, क्योंकि वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। मतलब जो पूरी वर्णमाला है वो तैयार हमारी किससे होती है, स्वर और व्यंजन से, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन से तैयार होती है। तो व्यंजन का टॉपिक हम आगे देखेंगे, आज हम देख रहे हैं क्या, केवल स्वर के बारे में। तो आइए देखते हैं हम क्या स्वर। तो स्वर क्या है, ठीक है, स्वर क्या है। तो स्वर की अगर डेफिनेशन देखें हम तो वो होती है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, यही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ठीक है, छोटा आ, फिर उसके बाद बड़ा आ, मतलब आ आ, ठीक, इ ई, है ना, उ उ, ए आई, ठीक ठीक है, ये क्या हो गए हमारे स्वर हो गए, जिसमें अ अ, ठीक, इ ई, उ उ, ए आई, ओ औ, अम और आहा, और एक स्वर होता है ऋषि का रा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें जो परंपरागत स्वर, तो ये जो 10 स्वर है हमारे शुरू के, कौन से, यहाँ से लेकर आ से लेकर के औ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या होंगे हमारे परंपरागत स्वर, ठीक, परंपरागत स्वर, ठीक है ना। और ये जो 3 स्वर है, ठीक, इनको हम उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो ये हमारे कितने स्वर हो जाते हैं, पूरे टोटल 13 स्वर हो जाते हैं, ठीक, मतलब 10 ये वाले हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 प्लस ये वाले 3, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे कितने स्वर हो जाते हैं पूरे, इस प्रकार हमारे ये कितने स्वर हो जाते हैं टोटल 13, ठीक है, जिसमें 10 प्लस 3 होता है, ठीक, उच्चारण की दृष्टि से कितने 10, ठीक, और परंपरागत दृष्टि से देखें तो कुल कितने 13 हो जाते हैं। ये क्या है हमारे स्वर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले इनका वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है, ठीक है, 6 प्रकार है, कितने प्रकार है, 6 प्रकार है, 6 प्रकारों में पहला प्रकार है हमारा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। क्या है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2, जीभ के प्रयोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। नंबर 3, मुख द्वारा मुख विवर के खुलने के आधार पर, ठीक है, मतलब किस स्वर को बोलने पर कितना मुख खुलता है या कितना बंद होता है, मुख विवर खुलने के आधार पर, ठीक। इसके बाद है होठों की स्थिति के आधार पर,
नंबर चार, होठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। और नंबर पाँच है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। और नंबर छः जो होता है वो है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो चलिए अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करेंगे, ठीक, तो उसमें कौन सी मात्रा लग रही है, ठीक है, और उस पर हमें कितना समय लग रहा है उस स्वर का उपयोग करने में, इस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर, किसी भी स्वर को बोलने पर हमारी जीभ का किस प्रकार उपयोग हो रहा है वो इस पर हम देखेंगे। मुख विवर की अगर बात करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस स्वर को बोलने पर हमारा कितना मुख खुल रहा है या कितना मुख बंद हो रहा है, ठीक है, इस पर हम ये देखेंगे। और अगला जो है चौथे नंबर का वो देखेंगे हम, अगला जो है हमारा चौथा नंबर वो है होठों की स्थिति के आधार पर, मतलब किसी स्वर को बोलने पर हमारे होठ कितने खुल रहे हैं या कितने होठ बंद हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे पाँचवा नंबर, हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर, अर्थात किसी स्वर को बोलने पर हमारे मुंह से कितनी हवा निकल रही है या नाक से कितनी हवा निकल रही है, या ठीक है। छठवा देखेंगे हम घोषत्व के आधार पर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नंबर एक क्या है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। तो इसमें इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ठीक है, कौन सा स्वर देखेंगे, ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखेंगे दीर्घ स्वर, और उसके बाद देखेंगे प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व की अगर बात करें तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में समय कितना लग रहा है, कम लग रहा है। जबकि दीर्घ स्वर में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, समय थोड़ा अधिक लगेगा, ठीक है। और जो प्लुप्त स्वर है इसमें क्या लगेगा, दीर्घ स्वर जो होंगे उनके उच्चारण में जितना समय लगेगा उससे भी अधिक समय प्लुप्त स्वर में लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो इसमें आता है क्या, अ, ठीक है, ई और उ, ये तीन स्वर आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर में क्या होता है, ह्रस्व से समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मतलब अ ई और उ, ठीक है। और क्या जाएंगे इसमें, ए आई ओ औ, ठीक, एक चीज और आएगा ओ, ये वाला ओ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ह्रस्व स्वर में क्या होगा, अ ई और उ, मतलब इनमें समय कम लगता है, समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। जबकि दीर्घ स्वर में समय इनसे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये बड़े स्वर आ गए हमारे, ठीक। बात करते हैं प्लुप्त स्वर की, नंबर तीन, ठीक है, प्लुप्त स्वर बहुत सरल है। इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में, ठीक है, इनके उच्चारण में क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे अगर मैं मुझसे काफ़ी दूर कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम राम है, और मैं अगर उसको राम करके आवाज़ दूँ, ठीक है, तो क्या होगा,
राम, ठीक। तो यहाँ पर क्या, ये आ का स्वर ज़्यादा निकलेगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह वाला आ, ठीक। आ का उच्चारण होगा लेकिन स्वर कैसा जाएगा, लंबा जाएगा, तो ये क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर। और दीर्घ स्वर की तुलना में इसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, तो यही क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर दो। नंबर दो क्या था हमारा, नंबर दो था मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर, खुलने के आधार पर भी इसमें क्या, चार प्रकार है इसके। पहला तो है बीव्रत, ठीक है, बीव्रत। दूसरा है अर्ध बीव्रत, ठीक। तीसरा है अर्ध संव्रत। और चौथा है संव्रत। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। बीव्रत का मतलब होता है पूरा मुख खुला हुआ, ठीक है। बीव्रत के अंतर्गत हम जिस किसी भी स्वर का उपयोग करेंगे उसमें मुख कैसा रहेगा, पूरा खुले खुला हुआ, ठीक है। बीव्रत के अंतर्गत क्या होगा, मुख जो रहेगा मुख पूरा खुलेगा, ठीक है, मुख पूरा खुलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आ, ठीक, इसको बोलते समय पूरा मुख खुलेगा, बोलकर देख लीजिए आप। इसके बाद है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, अर्ध विव्रत मतलब आधा, ठीक, मतलब इसमें क्या होगा, आधा मुख खुलेगा, आधा मुख खुलेगा इसमें, ठीक है। इसके जो उदाहरण होंगे वो क्या होंगे, कौन से स्वर होंगे इसमें, इसमें हो जाएगा आ, आई, औ और ओ, ठीक है। तो ये किस स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्ध विव्रत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। अर्ध संव्रत का मतलब होगा आधा बंद, क्या होगा, आधा बंद, ठीक, मतलब इसमें जो जिन स्वर का हम प्रयोग करेंगे उनको बोलते समय क्या होगा, हमारा मुंह आधा बंद हो जाएगा, मुख जो रहेगा आधा बंद हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ए और ओ, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं हम, क्रमांक तीन, जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर अगर देखें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जीभ के हमारे जो भाग है वो कौन से, अग्रभाग, पश्च भाग और एक मध्य भाग होता है, या अग्र मध्य पश्च, ठीक है, उसी के आधार पर स्वरों का वर्णन भी इसमें शामिल है। तो तीन भाग देखेंगे हम, कौन से, पहला देखेंगे अग्र, ठीक है, उसके बाद देखेंगे मध्य और उसके बाद देखेंगे पश्च, ठीक। तो अग्र में क्या है, ऐसे स्वर जिनका उपयोग करते समय हमारे जीभ का अग्रभाग उपयोग, ठीक है, अग्रभाग का प्रयोग हो, ठीक है, जैसे ई,
ई ठीक है, और ए आई, ये ऐसे चार स्वर हैं जिनका उपयोग करने पर हमारे जीभ का अग्रभाग प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आता है मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग में इसमें आ जाएगा आ, ठीक, ओनली आ जाएगा इसमें, और आ एक ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग करते समय हमारे जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लाया जाता है। बात करते हैं अंत में पश्च भाग की, ठीक है, तो इसमें आता है आ, ऊ, ऊ ठीक है, ओ, औ, और एक आता है ओ, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है पश्च भाग, इसमें ये जो हमने छह स्वर लिखा है यहाँ पर, इनका उपयोग करते समय हमारी जिह्वा का पश्च भाग प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिसमें कौन से स्वर हैं आ, ऊ, ऊ, ओ, औ और आ, ठीक है। अगला क्रमांक है हमारा होठों की स्थिति के आधार पर, नंबर चार में क्या देखेंगे हम, होठों की स्थिति के आधार पर, ठीक, तो होठों की स्थिति के आधार पर अगर देखें तो इसमें भी दो प्रकार है, एक है आवृतमुखी और एक है वृत्तमुखी, ठीक है, आवृतमुखी, और दूसरा है वृत्तमुखी, ठीक है, आवृतमुखी और एक है वृत्तमुखी। तो आवृतमुखी का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी, आवृतमुखी का मतलब क्या है, ऐसे स्वर जिनका जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है वो गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इसको आवृतमुखी स्वर बोलेंगे। इसमें कौन से स्वर आ जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं आ, आ में आ की मात्रा, ठीक है, ई और बड़ी ई, ठीक, ए और आई, ये इतने जो स्वर हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इतने जो स्वर हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अवृतमुखी। अवृतमुखी नाम से स्पष्ट है जिसमें हमारा जो ओठ है वो गोलाकार नहीं बनते या वृत्ताकार नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारा वो है वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी नाम से स्पष्ट है, मतलब ऐसे स्वर जिनका प्रयोग करते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, गोलाकार हो जाएगा, है ना, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ऊ बोलकर देख लीजिए आप, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, उसके बाद ओ, है ना, फिर उसके बाद औ, ठीक है, और उसके बाद ओ, ये वाला ये, ठीक, तो ये सब स्वर कैसे होंगे, वृत्तमुखी स्वर होंगे, ठीक। तो इतने तो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे आगे देखते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, वीडियो भले ही लंबी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आज मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, ताकि ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखिए, पांचवा नंबर जो था हमारा वो क्या था, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है, हवा के नाक व मुख, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, ठीक है, निकलने के
आधार पर। इसमें भी हम दो प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार देखेंगे इसमें हम मौखिक स्वर या निर अनुनासिक स्वर। क्या देखेंगे? निर अनुनासिक, निर अनु नासिक स्वर, या हम इसको बोलते हैं मौखिक स्वर। ठीक है, मौखिक स्वर। दूसरा देखेंगे हम इसी में क्या, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। चलिए चर्चा करते हैं निर अनुनासिक स्वर क्या होता है। तो निर अनुनासिक स्वर का मतलब होता है कि जब हवा केवल मुंह से निकले। ठीक है, मतलब किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब हवा केवल कहाँ से निकले, मुंह से निकले, तो वो क्या कहलाएंगे? निर अनुनासिक स्वर। जबकि हवा मुंह और नाक, ठीक है, जैसे क्या बताया दोस्तों हमने, निर अनुनासिक में क्या हुआ, निर अनुनासिक, निर अनुनासिक। ठीक, इसमें हवा कहाँ से निकल रही है? केवल मुंह से। ठीक, जबकि जो अनुनासिक है, अनुनासिक में कहाँ से निकल रही है हवा? इसमें मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगी। ठीक है, निर अनुनासिक में केवल मुंह से निकलेगी और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से निकलेगी। आइए देखते हैं इस पर जो स्वर हैं, कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। तो निर अनुनासिक में जो स्वर आते हैं वो आते हैं आ, ठीक है, आ और ई। ठीक है ना, जबकि अनुनासिक में कौन से आते हैं, इनके ऊपर आप अगर चंद्र बिंदी लगा दें, आ, ठीक है, फिर आ, ठीक, और फिर ई, ये, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अनुनासिक स्वर के अंतर्गत। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम स्वर देखते हैं, मतलब जो, हाँ, अंतिम स्वर का जो आधार है वो देख लेते हैं। चलिए अंतिम देखते हैं, अंतिम और छठवा। ठीक है, छठवा नंबर है घोषत्व के आधार पर। क्या है? घोषत्व के आधार पर। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल है और सामान्य सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इसमें केवल आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए घोषत्व के आधार पर में सबसे पहले हम देखते हैं घोष का मतलब क्या होता है। तो घोष का मतलब होता है जो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती है, ठीक है, गले में, है ना, उस पर श्वास का कंपन। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में, तंत्रियों में श्वास का कंपन। ठीक है, श्वास का कंपन। और जब हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, और जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या है, सघोष ध्वनियाँ मानी जाती है। इसलिए इस पर बस इतना ही, बाकी मैंने जो आपको बताया एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चर्चा किए थे वर्णमाला की, ठीक है, कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और हमने स्वर देखा, हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई देखा, ठीक है, वर्ण। और स्वरों में भी हमने जो देखा, परंपरागत स्वर देखा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ये भी देखा हमने। और स्वरों का वर्गीकरण देखा, स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने क्या देखा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसका वर्गीकरण। और जीभ के प्रयोग के आधार पर देखा हमने, मुख द्वारा देखा, होठों के खुलने या ज़्यादा खुलने या बंद, कम खुलने के आधार पर। और हमने क्या देखा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर देखा, और घोषत्व के आधार पर देखा। ठीक है ना, अब हम जो अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा व्यंजन पर। ठीक है, हम व्यंजन में सभी जो वर्ग है उसके, व्यंजन के वर्ग, है ना, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे,
हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, है ना, और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।